हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पीयूष। वेलकम टू माय चैनल टेक्स मास्टरमाइंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे ऐप के बारे में जो ऐप दिखता तो बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह है और वर्क भी बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह करता है, बट ये फ्रेंड्स आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को आसानी से हाइड कर सकता है। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा एंड देन सर्च बार पर क्लिक करना है एंड सर्च करना है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर सर्च करते ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, बट आपको इन सब में से कोई सिलेक्ट नहीं करना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कैलकुलेटर फ़ोटो वॉल्ट एंड वीडियो वॉल्ट हाइड फ़ोटोज़। आपको यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप का रेटिंग 4.3 का है एंड देन आपको इसे यहाँ से ओपन कर लेना है। इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देन आपको यहाँ पे एक पासवर्ड कंफर्म करने को बोलेगा 4 डिजिट्स का, तो मैं एक पासवर्ड कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पर ऊपर शो हो रहा है इनपुट 4 डिजिट एंड प्रेस परसेंटेज बटन, तो चलिए हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं एंड देन परसेंटेज बटन को क्लिक करेंगे। कंफर्म एंड देन फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अब शो नहीं हो रहा है। आप चाहें तो इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी चीज़ आसानी से, बट मैं यहाँ पर अभी फ़ोटो वॉल्ट ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैंने अपना पासवर्ड डाला एंड देन यहाँ पर परसेंटेज पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है। आप चाहें तो इसमें कोई भी फ़ोटो यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं एंड आप चाहें तो यहाँ पर वीडियोस भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और रिमूव करने के लिए आपको फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें रिकवरी ईमेल भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो को यहाँ पर हाइड कर दिया है एंड देन आपको इसे देर तक टच करना है। यहाँ से आप चाहें तो इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ। यहाँ से आप अगर एक्सपोर्ट करने के बाद डिलीट करना चाहते हैं तो ये वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर वीडियोस का ऑप्शन है, ऐसे ही आप क्लाउड पे भी साइन इन कर सकते हैं, बट आपको इसके लिए पे करना होगा। आप चाहें तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हैं, पासवर्ड फिर से रीसेट कर सकते हैं।